उधर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने उम्मीदवारों की लिस्टों में तीसरी बार रदो बदल कर दिया है। जराय का कहना है कि उम्मीदवारों के मुसलसल तहफुजात सामने आने के बाद के बायस ये तब्दीली की गई है। जराय का बताना है मुल्क भर के 100 से ज्यादा हलकों के उम्मीदवारों को तब्दील कर दिया गया। उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ हैं, तफसीलात बताएंगे। जी उस्मान। जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों की लिस्टों में तीसरी दफा जो है वो तब्दीली कर दी है और ऐसा बताया गया है जराय की जानिब से कि उम्मीदवारों की जानिब से मुसलसल तहफुजात सामने आ रहे थे, जिसके बाद ये तब्दीली की गई। गुज़श्ता रात जो है वो इजलास हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का, जिसमें बैरिस्टर गोवर, शुएब शाहीन और 9 कोर कमेटी के अराकीन शामिल थे। वीडियो लिंक के लिए इजलास हुआ जिसमें इन शिफ्टों के ऊपर उम्मीदवार तब्दील किए गए हैं। 100 से ज्यादा हलकों में जो है वो उम्मीदवारों को तब्दील किया गया है, जबकि सभी हलके पंजाब के ऐसे थे जिनमें अभी तक पीटीआई ने कोई उम्मीदवार नामजद नहीं किए थे। उन हलकों में भी उम्मीदवारों को नामजद कर दिया गया है, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों सूबों के जो है वो उम्मीदवारों को टिकट भी तब्दील किए गए हैं। जराय का ये कहना है कि कुछ हलके ऐसे थे जहाँ खातीन को टिकट जारी किए गए थे, उनसे वो टिकट वापस लेकर दूसरे उम्मीदवारों को दे दिए गए हैं और इस हवाले से जो फाइनल लिस्टें हैं वो आज रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी कर दी जाएंगी। जी उस्मान खादिम, आपका बहुत शुक्रिया।